गाइज अतुल ऑफिशियल ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड मैं सूरत में आज दूसरे लोकेशन पे आया हूँ, जो भी बहुत ही फेमस लोकेशन है, गोपी तालाब है सूरत का। और फ्रेंड ये अपना गेट से मेन फ्रंट से हम लोग घुसे थे, अपना गार्डन से स्टार्ट किया है यहाँ का लोकेशन। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कितना ही शानदार, बहुत ही हरा भरा गार्डन आपको दिख रहा है। फ्रेंड आपको ये बीचों बीच में जो फव्वारा दिख रहा है, गोपी तालाब का मेन फ्रंट है, जिसमें बहुत बड़ा ये फव्वारा लगाया गया है कि उसका हाइट बहुत ज़्यादा है पानी निकलने का। और बहुत ही शानदार है कि यहाँ पे जो भी आते हैं सबके माइंड फ्रेश हो जाते हैं, सबको अच्छा भी लगता है। फ्रेंड ये अपना रोप है जिसमें आप स्लाइडिंग कर सकते हैं, आपको 100-150 जैसा चार्ज देना पड़ेगा। तो आप इसमें रस्सी से झूलते हुए इस पार से उस पार आप जा सकते हो, बहुत ही मज़े ले सकते हो स्लाइडिंग के। और फ्रेंड ये अपना स्लाइडिंग वाला एरिया था। और अभी इसमें दूसरी साइड में जो आपको दिखेगा वो बच्चों का गार्डन है। और ये अपना बच्चों का गार्डन है जहाँ पर फ्रेंड आपको अभी सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं उनके घूमने के लिए, एंजॉय करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन जगह है कि वो बच्चे अपना टाइम पास आराम से कर लेते, खेलते रहते हैं। और उनके लिए बहुत सारे झूले भी इधर लगाए गए हैं। ये अपना कुछ यहाँ पे बोर्ड लगा दिए गए हैं एंट्री के लिए, बाहर जाने के लिए है। और फ्रेंड ये आपको जो फ्रंट से सीन दिख रहा है, ये गोपी तालाब के मेन पॉइंट पर जाने के लिए एक बनाया गया है रास्ता जैसा है। तो आप यहाँ से जब ऊपर चढ़ोगे तो वहाँ से आप चल के पूरा गोपी तालाब बहुत ही शानदार देख सकते हो। ये बीचों बीच में जो आपको ये दिख रहे हैं खंभे पे, तो आप वहाँ से जब पूरा नज़ारा लोगे तो आपको गोपी तालाब का पूरा फुल व्यू मिल जाएगा आपको। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार बनाया गया है गोपी तालाब। और नाइट में जितना दिन में आपको ये अच्छा लगता है देखने में, उतना ही नाइट में भी उतना ही शानदार लगेगा। नाइट में भी बहुत बेहतरीन इसको सजावट में इसके साथ बहुत अच्छा यहाँ पे काम किया गया, लाइट वाइट बहुत बेहतरीन लगाई गई। ये अपना फॉर्म के हैं, हवा वाले हैं यहाँ पे स्टैंड कि आप उस पर खड़े होकर आप नाव पे यात्रा कर सकते हो, बैठ सकते हो। ये अपना रेस्टोरेंट का सीन है फ्रेंड। ये अभी तो दोपहर का टाइम है इसलिए ज़्यादा भीड़ नहीं है, पूरा रेस्टोरेंट खाली दिख रहा है आपको फ़िलहाल। शाम जैसे जैसे शाम होगी यहाँ पर वैसे ज़्यादा पब्लिक आती रहती है, यहाँ पे पूरा भर जाता है पब्लिक से, यहाँ पे थोड़ी भी जगह खाली नहीं रहती। तो अपना रेस्टोरेंट बना दिया गया है गोपी तालाब की, आपको कुछ खाना पीना है, रेस्ट करना है तो आप आराम से बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, मज़े ले सकते हो, फुल एंजॉय कर सकते हो। फ्रेंड हो सकेगा कोशिश करूँगा मैं नाइट का व्यू ज़रूर इधर बनाऊँगा, ताकि आपको नाइट का भी बेहतरीन शानदार व्यू दिखा सकूँ कि आपको नाइट में कैसा लगता है देखने में। फ्रेंड नाइट में भी बहुत अच्छा ही आपको व्यू मिलेगा, क्योंकि नाइट में बहुत सारी लाइटें और बहुत सारे म्यूजिक साउंड यहाँ पे लगा रखे हैं। फ्रेंड ये आप देख सकते हो नाइट का सीन है। और आपको जैसे मैंने बताया था कि नाइट में बहुत ही शानदार आपको लगेगा देखने में, तो आप व्यू देख सकते हो। 6:30-7 बजे का टाइम का है व्यू अभी ये, कि कितनी शानदार लाइटें लगाई गई कि आपको बहुत ही आपका मतलब पूरा मन पूरा मूड फ्रेश हो जाएगा, आपका मन बहुत ही खुश हो जाएगा। तो फ्रेंड जब भी आपको टाइम मिले सूरत जरूर आना, तो गोपी तालाब जरूर घूमना। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, फ्रेंड ऐसे मत जाओ प्लीज़। और मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं अच्छे अच्छे आपको ब्लॉग दिखा सकूँ, अच्छी अच्छी जगहों पर जाके लोकेशन को मैं शूट कर सकूँ और आपका फुल एंटरटेनमेंट करा सकूँ। फ्रेंड ये अपने रेस्टोरेंट का नाइट का सीन है, आप ये भी देख सकते हो।